एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगभग 2 kg हीरोइन पकड़ी गई है, जिसकी कुल लागत इंटरनेशनल मार्केट में 14 crore से ज़्यादा है। मेरे साथ इस समय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के SSP विनय शर्मा जी हैं। सर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार जिस तरह से बॉर्डर पर इन्वॉल्वमेंट रहती है, एक तरफ आर्म्स को स्मगल करना, वहीं इसको नारकोटिक्स को जो इसको भी स्मगल करना, इसको कितनी बड़ी मुहिम समझते हैं, उनका बेसिकली इसमें कितने लोग सर क्या इन्वॉल्व थे? देखिए, 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग कार्टल्स का हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा, 3 लोग हमने गिरफ्तार किए, जिसमें 2 पैकेट हीरोइन के हमने रिकवर किए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 crore के करीब है। खास बात इसमें यह है कि 2 दिन की कड़ी मेहनत, बारिश के बावजूद काफ़ी पानी भरा हुआ था बॉर्डर के नज़दीक, जाके हमने सर्च ऑपरेशंस किए जिसमें भारतीय सेना ने हमारी काफ़ी मदद की। हमें 19 तारीख को एक बड़ी स्पेसिफिक इतला मिली थी कि खोर से अखनूर की तरफ एक नरेश कुमार का युवक अपनी स्कूटी पे हीरोइन की बड़ी कंसाइनमेंट लेके जा रहा है। हम ANTF के नाके जगह जगह पे लगा दिए गए और हमने उस जब स्कूटी को इंटरसेप्ट किया और सर्च की तो उसमें से 1 पैकेट हीरोइन का सामने आया। उस पर खास किस्म के निशान लगे हुए थे जो इंडिकेट करते थे कि ये अफगान ग्रेड हीरोइन है और जाहिर है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इसका कोई ताल्लुक ज़रूर होगा। जब उसकी फर्दर सस्टेंड इंटरोगेशन की गई तो उसने 1 पैकेट और की तरफ इशारा किया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कहीं छुपाया हुआ है। 2 दिन लगातार 19 से लेकर 21 तक बारिश के बावजूद हम सर्च ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करते रहे। भारतीय सेना ने हमें बहुत सहयोग किया लेकिन हम वो पैकेट रिकवर करने में कामयाब नहीं रहे। तो नरेश कुमार की फर्दर जब क्वेश्चनी की गई तो उसने 2 लोग और, जिनका जिक्र किया, कमल, और कमल के साथ में उसने बलवीर सिंह का नाम लिया जो एक एक्स सर्विस मैन है, जो कहते हैं कि इन लोगों को उस खास जगह का पता है जहां पर वो हीरोइन छुपाई हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। फिर द्वारा एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, आर्मी के सहयोग से हमने वो पैकेट भी रिकवर कर लिया। उस पर भी अफगान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा करने वाले कुछ चिन्ह लगे हुए थे। जब उनकी सस्टेंड क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने कबूल किया कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये पैकेट्स जो हैं भारतीय सीमा की तरफ फेंके जाते हैं और फिर वो उम्मीद करते हैं कि ये हमारे वाली साइड वाला आदमी वहाँ जाके इसको उठाए, इससे पहले कि वो उठा पाते इस पैकेट को, ये लोग गिरफ्तार किए गए और हमने रिकवरी की है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टल का सीधा सीधा इशारा सामने आ रहा है। कुछ पाकिस्तान के लोग जो सप्लायर्स हैं उनके डिटेल्स हमारे पास आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी गिरफ्तारी का कोई ना कोई साधन, चाहे इंटरपोल की सहायता से, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, चाहे लेटर रिगोटरी की सहायता लेना पड़े, वट एवर मैकेनिज्म वी नीड टू अप्लाई, वी शैल बी मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू अरेस्ट दोज पीपल ऑल्सो। सर, एक्स सर्विस मैन का इन्वॉल्व होना, ये कहीं ना कहीं इसको किस और इशारा देता है कि मतलब वो अंदर घुस गए हैं जो ये तमाम स्मगलर हैं जो इंटरनेशनल पूरे इस रैकेट को चला रहे हैं? देखिए, इस तरह के रैकेट में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इनका ना कोई दीन होता है ना धर्म होता है, इनकी कोई पहचान नहीं होती, इनका एक ही दीन होता है, वो पैसा। तो उसके लिए अगर कोई भी आदमी इस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, एक्स सर्विस मैन चूँकि है उसमें उनकी तरफ से खास एफर्ट्स रहे होंगे क्योंकि इन लोगों का एक कम्फर्ट जोन होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ा इजी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट गेटिंग नोटिस और डाउटफुल। तो इस तरह के लोगों की उनको ज़रूरत रहती है, उनकी कोशिश रहती है इस तरह को ये लोगों को अपने लूप में रखें। दूसरा, हम अमूमन देखते हैं जो आम हीरोइन की जो प्राइस होता है वो 1 से 2 crore होता है, लेकिन ये 7 crore, ये कुछ खास तरह की ये हीरोइन है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, खास तरह की पैकिंग है और अफगान ग्रेड हीरोइन है। अफगान ग्रेड हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमत है वो 7 crore के करीब है, टोटल 14 crore की कीमत के हमने रिकवरीज जो की है। सर, जिस तरह से अफगानिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इस तरह की ड्रग्स है उसकी बहुत ज़्यादा खेप उसको उगाया जा रहा है और जिस तरह से वहाँ के हालात बने हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और जिसमें भारत बहुत बड़ा बाजार है, इसकी तरफ तालिबान जो है वो इस समय इनको मूव कराने की कोशिश कर रहा है, तो इस समय भारत के जितने चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं या फिर LOC है वहाँ पर कितनी इस समय वॉच की जरूरत है क्योंकि उनका मेन जो बड़ा बाजार वो भारत को लेके चल रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डायनामिक्स पे तो मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा, मेरी कॉम्पिटेंसी से वो बाहर है। एक बात ज़रूर है कि भारत की सीमा के अंदर या भारत की सरहदों के अंदर जहां कहीं भी नारकोटिक्स की कोई भी एक्टिविटी होती है उसके लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और NCB पूरी तरह से सतर्क हैं। डिजिटल तरीके से बड़ा उसको यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या इन ड्रग्स को भी इस्तेमाल करने के लिए या फिर आगे आने वाले समय में क्या इस तरह का ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बाकी केसेस में ड्रोन्स की सहायता से ड्रग
का इस तरह से और टनल्स का और क्रॉस बॉर्डर के रेफरेंसेज आए हैं। इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको बताया कि ये थ्रो करके हमारी तरफ फेंके गए थे। धन्यवाद सर। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को। 3 लोगों को पकड़ा गया है जो कि खोड़ के रहने वाले हैं, जिनमें कि एक शख्स का नाम जो है बताया जा रहा है वो नरेश कुमार है, इसके अलावा कमल सिंह और बलबीर सिंह। इसमें से एक व्यक्ति जो है एक सर्विसमैन है और साफ तौर पे खास तरह की ये हीरोइन है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है लगभग 7 करोड़ रुपये पर केजी के हिसाब से, और 2 पैकेट यानी कि 2 केजी होना और 14 करोड़ का ये पूरा जो खेप पकड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की। और अभी भी आने वाले समय में इस पर बहुत सारे लिंक्स और जुड़ सकते हैं क्योंकि एक्स सर्विसमैन का इन्वॉल्व होना और पैसों के लालच में और कितने लोग इस पूरे इंटरनेशनल स्मगलिंग जो रैकेट में जो हैं वो इन्वॉल्व थे, ये आगे इसको खोजना बहुत ज़्यादा अहम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए रहेगा। और दूसरी बात, जिस तरह से अफगानिस्तान में लगातार ड्रग्स जो है उसका इस्तेमाल करके जो तालिबान है बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है और लगभग पिछले बार की एक आंकड़ा निकाला गया कि 1 बिलियन डॉलर की कमाई जो है तालिबान ने की है, जिसमें कि बहुत बड़ा आंकड़ा ड्रग्स से भी है, नारकोटिक्स से भी है। तो उनका एक सेंट्रल एशिया के साथ साउथ एशिया में भारत बहुत बड़ा बाजार है और कहीं ना कहीं इस समय भारत में जितनी भी नारकोटिक एजेंसी हैं उसके साथ आर्मी BSF इन सबको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी कोशिश की जाएगी कि जो ड्रग्स हैं वो भारत में भेजे जाएँ और भारत में इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये 2 व्यक्ति हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिनको हिरासत में लिया गया है इस पूरे मसले पे, या विजुअल्स में देख सकते हैं इनके चेहरे, ये खोड़ के हैं और ये दोनों, इनको एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। 3 लोग हैं ये, इसमें एक बलबीर सिंह है, इसके अलावा कमल सिंह और इसके अलावा नरेश कुमार, ये 3 लोग हैं। ये लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों से लगभग 14 करोड़ की जो हीरोइन है वो बरामद हुई है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कह सकते हैं। अभी आने वाले से इनसे क्या कुछ लिंक्स निकलते हैं ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है इस पर वो आगे काम करेगी, लेकिन फिलहाल ये 3 लोगों को जो अरेस्ट होना और कहीं पाकिस्तान के साथ इनके डायरेक्ट लिंक होना, इस पर इनको हिरासत में लिया गया है और आप देख सकते हैं इनको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं और ये इनके कब्जे में है। आगे इनके लिंक से क्या कुछ निकलेगा ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है वो ज़्यादा डिटेल इनसे लेगी, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इस समय कहें कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू J&K को मिली है, जहाँ पर लगभग 7 करोड़ पर KG के हिसाब से 2 KG हीरोइन जो है वो पकड़ी है। और ये तीनों जो लोग हैं जो इन्हें जो है वो पकड़ा गया है, इनमें से एक एक्स सर्विसमैन भी है। और यहाँ पर कार्रवाई आगे इसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यकीनन करेगी, लेकिन इनके आगे से कितने लिंक जुड़ते हैं और क्या कुछ और जम्मू कश्मीर से या फिर भारत के अलग कोनों से लोग इन्वॉल्व थे इस पर पूरी जाँच रहेगी। और जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगातार भारत में जो नारकोटिक्स जो है वो भेजने में लगा रहता है, उस तहत मुहिम और धरपकड़ लगातार जारी है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को इस मसले पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इन 3 लोगों को हिरासत में लेकर, और इनके कब्जे से लगभग 2 KG जिसकी लागत 14 करोड़ है वो खेप बरामद करके। ओरिजिनल प्रवीण शर्मा के साथ ख्वाहिश।